दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हां, आज हम लेके आए हैं एचपी का न्यूली लॉन्च ओमेन। जी हां, आप ये सोचेंगे ऐसी क्या खास बात है ओमेन में आज हम लेके आए हैं। सबसे पहली बात, 14 इंच के अंदर गेमिंग लैपटॉप। जी हाँ, एचपी के अभी तक हमने देखे 15.6, 16 इंच, 17.3 इंच के भी हमने लैपटॉप देखे, लेकिन जी हाँ 14 इंच विद एआई टेक्नोलॉजी के साथ, जी हाँ अल्ट्रा 7 में एचपी ने लॉन्च कर दिया है अपना गेमिंग लैपटॉप ओमेन 14। जी हाँ, ओमेन 14 लॉन्च हो गया है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो अल्ट्रा 7 है। आपको पता है कि इंटेल की जो नई सीरीज आई है जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है वो है अल्ट्रा सीरीज, इंटेल कोर अल्ट्रा। हमने अभी तक 5 और 7 देखे हैं और आज इसी में 7 और 16 GB रैम, 1 TB SSD और ग्राफिक्स 8 GB। कंपनी ने इसमें दो कलर में इस लैपटॉप को लॉन्च किया है। जो अभी हमारे पास है वो है FB0007TX जो ब्लैक कलर में है, और जो दूसरा मॉडल है वो है FB0089TX जो व्हाइट कलर में है। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। आज हम जो लैपटॉप आपके लिए लेके आए हैं वो ब्लैक कलर में है। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, हो सकता है आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको हम दिखाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये लैपटॉप हमें एचपी इंडिया से मिला है और जिस डीलर के थ्रू मिला है वो दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्ले ग्राउंड एचपी वर्ल्ड से। जी हाँ, एचपी ने जो अपने ओमेन प्ले ग्राउंड खोले हैं जो करोल बाग में है दिल्ली के अंदर, वहीं से हमें ये लैपटॉप मिला है। लैपटॉप हम अनबॉक्स करेंगे और इसी डीलर के थ्रू ये वापसी एचपी के पास चला जाएगा। कभी भी आपने कोई भी लैपटॉप लेना हो एचपी का तो इस स्टोर पे आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। फोन नंबर हमने नीचे दे रखे हैं और बाकी भी एचपी वर्ल्ड्स के नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यही कह दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है। सबसे पहले देखते हैं पावर कोड। देखिए, ओमेन की है और एचपी ने दिया प्रीमियम पावर कोड है। एडेप्टर, 140 वॉट का पावर एडेप्टर है और टाइप सी इसका पोर्ट है। देखिए, अभी हम देखते हैं जैसे विक्टस है या ओमेन है जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, उनके जो पावर एडेप्टर भी हम देखते थे बड़े हैवी होते थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो काफ़ी लाइट वेट पावर एडेप्टर एचपी ने इस लैपटॉप के साथ दिया है। ये एक चिट्ठी लिखी है हर एक बायर के लिए, जो भी ओमेन बाय करना चाहता है उस चिट्ठी में इस लैपटॉप के बारे में लिखा हुआ है जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं। बड़े तरीके से एचपी ने दिया है ये। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अब हम मुद्दे पे, अपने लैपटॉप को देखते हैं। देखिए, गेमिंग लैपटॉप है। सबसे पहले तो मैं कहूँ बहुत ही लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप आपको एचपी ने दिया है। देखिए, पहले मैं इसके बारे में बात करूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये मुझे क्या लगता है एचपी ने क्यों लॉन्च किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में काफ़ी लोग लाइट वेट लैपटॉप सर्च कर रहे होते हैं, जैसे एचपी के एनवी स्पेक्टर लेना चाहते हैं लेकिन उस पर गेमिंग और एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग गेमिंग। जब उनको कोई भी, या हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप गेमिंग लैपटॉप लीजिए वीडियो एडिटिंग के लिए, पवेलियन प्लस या पवेलियन या एचपी के एनवी स्पेक्टर या और कोई भी, आप डेल में एक्सपीएस लेंगे या लेनोवो में योगा सीरीज लेंगे जो आपकी आती है, लेकिन उसके अंदर वीडियो एडिटिंग नहीं होती, आप गेमिंग लैपटॉप लीजिए, तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि काफ़ी वेट होता है। जी हाँ, गेमिंग लैपटॉप अभी तक हम जो देखते आए थे वो 2.5 kg, 2.6 ट्रांजेंट सीरीज जो एचपी ने भी लॉन्च की थी पीछे, जिसमें जिसकी वीडियो हमने वीडियो बनाई थी 0005TX की, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2.1 kg का लैपटॉप था। लेकिन जी हाँ, ये लैपटॉप है 1.6 kg, 1.6 kg का लैपटॉप है। मुझे इसको अनबॉक्स करते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं गेमिंग लैपटॉप की वीडियो बना रहा हूँ, वो भी ओमेन की। ये देखिए कितना स्लिम लैपटॉप है। बैक में भी आप देखेंगे इसमें
दो फैन लगे हुए हैं। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे, रबड़ आपको पीछे दिखाई दे जाएगी। देखिए कूलिंग वेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बैक साइड में भी। बहुत लाइट वेट लैपटॉप है अकॉर्डिंग टू गेमिंग लैपटॉप। इसको हम एक हाथ से ओपन करके देखते हैं ओपन होता है या नहीं होता। पीछे सरक गया, नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर मैग्नेट लगी हुई है। ये हमने ओपन करा और अगर हम एक बार फिर से इसको अगर ओपन करते हैं तो बहुत वॉबलिंग है, थोड़ी सी वॉबलिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत नॉमिनल आपको इसमें वॉबलिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम इसको बूट अप करते हैं, इतने इसके पोर्ट्स देखेंगे और उसके बाद इसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। अगर हम इसमें पोर्ट्स देखेंगे तो HP के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पोर्ट मिलते हैं वो दो पोर्ट हैं, दोनों ही USB है, USB टाइप ए, दोनों ही 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ आपको मिलते हैं, लेकिन एक आपका HP स्लीप एंड चार्ज के साथ भी आपको इसमें मिलता है। लैपटॉप के बैक साइड में आप देखेंगे तो वहां भी आपको दो पोर्ट मिलते हैं, एक है HDMI 2.1 आपके प्रोजेक्टर और LED TV कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा पोर्ट आपको मिलता है USB टाइप सी। इससे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आता है वो टाइप सी ही चार्जर है। लैपटॉप के राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दो पोर्ट दिखाई देते हैं, एक आपका है 3.5 mm का ऑडियो जैक हेडफोन और माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए, दूसरा है टाइप सी आपके 40 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ आपको मिलता है। तो दोस्तों इस लैपटॉप की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं CPU। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H, जी हाँ ये सीरीज 1 है। जैसे अभी तक हम जनरेशन देखते आ रहे थे 5th, 8th, 10th, 14 तक हमने देखा गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर, इसमें अल्ट्रा 7 सीरीज 1 का ये प्रोसेसर है 155H। अगर हम इसकी बेस स्पीड की बात करेंगे तो 3.8 GHz बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोसेसर आता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी है 4.8 GHz। यहां हम कोर देखते हैं, कोर हमारे हैं 16। अगर हम कोर को यहां पे बाइफर्केट करते हैं तो इसमें परफॉर्मेंस कोर की हम बात करेंगे तो वो आपको 6 मिलेंगे जो हमारी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 4.8 GHz की, वो सिर्फ हमारे 6 कोर्स की है। और जो 8 है वो एफिशिएंट कोर है, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3.8 GHz और इस पे लो पावर एफिशिएंट कोर भी हैं, वो है 2, यानी 2 है लो पावर एफिशिएंट कोर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2.5 GHz। ये हमारे जो भी अल्ट्रा प्रोसेसर्स आए हैं ये उसके अंदर से अलग है। पहले हमारे सिर्फ परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर जिसको हम पी कोर ई कोर कहते थे वही आते थे, अब ये लो पावर एफिशिएंट कोर भी हमें अल्ट्रा प्रोसेसर में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो वो है 22। अगर हम इसको बात करेंगे, देखिए हमने जब भी थ्रेड्स की बात करें हैं तो हमेशा वो हमारे परफॉर्मेंस कोर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हम करते हैं तो वो डबल होता है। जैसे हमने 6 कोर्स देखे तो 6 को डबल करेंगे, C6P कोर्स है तो वो हमारे 12 हो गए, एफिशिएंट कोर 8 है हम 8 के ऐड कर देंगे और लो पावर हमारे 2 है तो सब कुछ ऐड करते हैं तो हमारा 22 आता है जो लॉजिकल प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है। L3 कैश की बात करेंगे तो वो 24 MB की इसमें आपको मिलती है। मेमोरी 16 GB की LPDDR5X इसमें रैम आपको मिलती है जिसकी स्पीड 7467 MHz की है। जी हाँ लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि ये रैम अपग्रेडेबल है या नहीं है। कुछ हमारे फ्रेंड्स इस स्क्रीन को देख के जान भी गए होंगे। डिस्क WD की 1 TB Gen 4 SSD आपको इसमें मिलती है जिसकी कैपेसिटी 954 GB है। वाईफाई आपको इसमें मिलता है, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 आपको इसमें मिलेगा। देखिए जो अभी आर्क ग्राफिक्स के साथ इंटेल ने अपने प्रोसेसर निकाले हैं ये इनबिल्ट प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है, इसको डेडिकेटेड मत समझिएगा, डेडिकेटेड इस पे अलग है। पहले मैं आपको बता दूं इसका अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले इंटेल USD आते थे, इंटेल आयरिस आते थे, ये अब इंटेल आर्क ग्राफिक्स है जिसकी शेयर्ड मेमोरी 7.8 GB, अपनी मेमोरी नहीं होती। जैसे कि हमें AMD के प्रोसेसर में देखते हैं उनमें 512 या 2 GB होती है, इसमें कोई भी अपनी मेमोरी नहीं होती है। यहां पे आ गया हमारा NPU इंटेल AI बूस्ट। जी हाँ
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रोसेसर जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं वो एआई बेस्ड है। आगे जो हमारा फ्यूचर है वो काफी हद तक एआई पे डिपेंड होगा, तो इसीलिए लैपटॉप्स भी अब एआई सपोर्टिंग आने लगे हैं। तो ये प्रोसेसर भी वही है आपका एनपीयू, जिसको हम न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसके लिए आपको एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें समझाना पड़ेगा कि आपका एआई एक्चुअल में है क्या, एनपीयू हमारा काम क्या करता है। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ये इसमें भी आपको एनपीयू मिलेगा। एक अल्ट्रा प्रोसेसर भी है जो इंटेल ने लॉन्च किया है, उस पे एनपीयू नहीं है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। मार्केट में इस टाइम पे 3 सीरीज चल रही है, जो पहले इंटेल कोर i5 i7 चलते थे, एक इंटेल कोर है, ये आपका है इंटेल कोर अल्ट्रा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर एआई बेस्ड लैपटॉप है तो उसमें एनपीयू होना जरूरी है। देखिए अब जो गेमिंग लैपटॉप को खास बनाता है वो एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 4060। जी हाँ, 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है। अगर हम शेड की बात करें 7.8, टोटल 15.8GB आपको इसमें मिलता है। अगर हम देखेंगे इसमें एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स स्टूडियो ग्राफिक्स है 4060 का 8GB के साथ। कॉन्फिगरेशन पढ़ते समय जो हमारी वॉइस हमने रिकॉर्ड करी वो इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी, जिससे आपको माइक की क्लैरिटी पता चल जाए। तो दोस्तों आज हम इसकी जो माइक की टेंपल नॉइस रिडक्शन है उसका भी टेस्ट करते हैं। देखिए हमारे व्यूअर्स की काफ़ी डिमांड आती थी कि हम जब भी मीटिंग करते हैं तो हमारा जो लैपटॉप का माइक है वो बहुत ज़्यादा साउंड, जो बैकग्राउंड में साउंड्स होती है उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, उनको भी बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है, तो हम कौन सा माइक्रोफोन लें। तो इसके लिए जो आज की डेट में जितने भी हाई एंड लैपटॉप्स आ रहे हैं सब में टेंपल नॉइस रिडक्शन होता है, तो हम उसका भी टेस्ट करते हैं कि आपको माइक लेने की जरूरत है या आप इसी माइक के साथ अपनी कोई भी मीटिंग या क्लासेस आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लैपटॉप लिया है, हम इस पर म्यूजिक प्ले करेंगे, इस पर साउंड रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कितना नॉइस रिड्यूस हुआ। तो चलिए दोस्तों आज हम ये टेस्ट भी आपको करके दिखाते हैं। हम इसमें एक ऑडियो प्ले करते हैं, आपको आवाज आ रही होगी। अब हम यहीं पे माइक पे इसको रिकॉर्ड करेंगे तो देखते हैं कि नॉइस कितना रिड्यूस होता है। देखिए ये टेस्ट आज की डेट में करना बहुत जरूरी है कि जिससे हमें पता चले कि हमारे लैपटॉप के माइक में नॉइस रिडक्शन कितना है, तो इसीलिए आज हम ये टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, अब हम देखते हैं कि कितना रिड्यूस हुआ नॉइस हमारा। देखिए बहुत पास रखा हुआ था हमारा ये, अब हम सुनते हैं इसका म्यूजिक। देखिए ये टेस्ट आज की डेट में करना बहुत जरूरी है कि जिससे हमें पता चले कि हमारे लैपटॉप के माइक में नॉइस रिडक्शन कितना है, तो इसीलिए आज हम ये टेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपने देखा कि जितने भी पास में साउंड आ रहा था उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब अगर आप घर पे मीटिंग कोई कर रहे हैं, आपके आसपास शोर हो रहा है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, सामने वाले को आपके बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी सुनाई नहीं देगा अगर आप ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ओमेन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें 14 इंचेस का 2.8K ओलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है। इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, 48-120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। 0.2 ms रिस्पांस टाइम है, UWVA आपको इसका डिस्प्ले मिलता है, S2H ग्लास है, माइक्रो एज है। अगर हम बात करेंगे निट्स की तो HDR 400 निट्स और HDR 500 निट्स मिलता है, लो ब्लू लाइट और 100% sRGB के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिलता है। HP ने इसमें ट्रू विजन 1080p फुल HD IR कैमरा दिया है विद टेंपल नॉइस रिडक्शन के साथ और इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन के साथ आपको इसका कैमरा मिलता है। इसके हम कीबोर्ड की बात करेंगे तो 14 इंचेस का फुल साइज 4 जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड आपको मिलता है, जिसका कलर शेडो ब्लैक आपको मिलेगा और 26 की रोल ओवर एंटी घोस्टिंग की टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसका कीबोर्ड मिलता है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल आपको ओपन करके हम दिखाते हैं। जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में जितने भी लैपटॉप आते हैं हमारे पास, हम सबका बैक पैनल ओपन करते हैं, इसका भी आपको हम बैक पैनल ओपन करके दिखाते हैं। देखिए अब इसके अंदर आपको मदरबोर्ड तो दिखाई ही नहीं दे रहा आपको,
देखिए यहाँ पे आपको दो फैन दिखाई दे रहे हैं कि जैसा आपको पता है कि गेमिंग लैपटॉप में हमेशा आपको दो फैन मिलते हैं, एक आपका प्रोसेसर के लिए और एक ग्राफिक्स के लिए। देखिए ऐसा इसमें हीट सिंक कंबाइंड होते हैं, आप ये मत सोचिएगा ये उसके लिए कौन सा है, ग्राफिक्स के लिए और प्रोसेसर के लिए कौन सा है, वो ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स इतना बड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें आपके नंबर्स लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पैनल को हमने नहीं हटाया है क्योंकि ये पैनल आपके ग्राफिक्स और प्रोसेसर के ऊपर है, तो उसको हटाने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर हम इसको हटाते हैं तो लैपटॉप हमारा ख़राब हो सकता है एक बार को, क्योंकि हम इतने टेक्निकल नहीं है कि हम इसको हटा सकें, राइट। तो हम इसको नहीं हटाएंगे और इसके नीचे ही हमारा रैम। देखिए गेमिंग लैपटॉप में हम हमेशा देखते आए थे कि कभी भी हमें सॉलिड रैम देखने को नहीं मिलती आज तक, या तो हम लेनोवो कहें या HP कहें या हम डेल कहें, किसी भी लैपटॉप में हमें ऑन बोर्ड रैम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर हमें ऑन बोर्ड रैम देखने को मिली। जी हाँ, जो इस पैनल के नीचे लगी हुई है, ग्राफिक्स भी इसी के नीचे है, प्रोसेसर भी इसी को नीचे है। देखिए प्रोसेसर और ग्राफिक्स तो वैसे भी हम कभी चेंज नहीं कर सकते, हम इसमें रैम भी अपग्रेड नहीं कर सकते। रही एक SSD की बात, आपको सिर्फ एक SSD देखने को मिल रही है जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जिस्टिंग SSD को रिमूव करके ही दूसरी हम लगा सकेंगे। वाईफाई भी हम देखेंगे तो हमें वाईफाई भी देखने को नहीं मिला, वाईफाई भी हमें इसके नीचे ही मिलेगा, हमें सिर्फ देखने को इसमें मिल रहा है SSD, फैन और बैटरी। जी हाँ, 6 सेल की लिथियम पॉलीमर आपको इसमें बैटरी मिलती है 71 वर्क आवर्स के साथ, और 2 स्पीकर आपको इसमें मिलते हैं, बाकी इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल पाएगा। और अपग्रेडेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप SSD को अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ भी आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया Omen Transcend सीरीज का 14 इंच का लैपटॉप, जो अभी हाल ही में, जी हाँ अभी अप्रैल 2024 में ही HP ने लॉन्च किया है। आज की डेट में मार्केट में वीडियो एडिटिंग के लैपटॉप्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, वर्चुअल गेमिंग स्पीड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो इस जो हम लाइन में देखें, अगर वीडियो एडिटिंग की लाइन्स में मेल फीमेल्स आपको हमेशा दोनों ही मिलेंगे, और काफ़ी फीमेल्स डिमांड करती है कि हमें 2.5 2.6 kg का लैपटॉप नहीं चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उनके लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है। 1.6 kg का लैपटॉप ऑलमोस्ट जो आपका 15 इंचेस का पवेलियन सीरीज के लैपटॉप आते हैं लाइट वेट, अगर आप लाइट वेट देखेंगे तो 1.44 kg को आप लाइट वेट लैपटॉप कहते हैं, और ये सिर्फ 1.6 kg का लैपटॉप है। तो उन लोगों के लिए जिन्हें लाइट वेट में लैपटॉप चाहिए और गेमिंग भी चाहिए, तो ये लैपटॉप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, उसमें आपको OLED स्क्रीन मिल रही है, 100% sRGB मिल रहा है, तो ये इससे बेस्ट लैपटॉप आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर में मैं नहीं कह पाऊंगा कि फ्यूचर में आपका क्या, आज अगर आप ये लैपटॉप लेना चाहते हैं लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप, तो ये उसके लिए बेस्ट लैपटॉप है। जो प्राइस HP ने इस लैपटॉप का रखा है वो है 1,75,000 ब्लैक कलर का और 1,76,000 व्हाइट कलर का। देखिए मार्केट के अंदर प्राइसेस में आपको चेंजेस मिल सकते हैं, ये SRP होती है जो HP ने रखा है प्राइसिंग मार्केट का, उससे आपको 10-15 हज़ार नीचे भी मिल सकता है, कभी भी ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन ये अभी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस HP का वो यही है। आप ये मत कहिएगा जी आपने 175 कहा था, हमें 170 या 165 का मिल गया, ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। HP इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है, आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं जब भी टाइम टू टाइम ऑफर आती रहती है एक्सटेंड करा सकते हैं, आप इसकी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं जब भी आपने वारंटी लेनी हो हमेशा HP की ही लीजिएगा, थर्ड पार्टी मत लीजिएगा, उसको आपको क्लेम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगली वीडियो में नए लैपटॉप साथ, तब तक के लिए जय हिंद।